जरूर के जैसे आप देख रहे हैं किसी ने अपना आईडी बनाया अपना फोटो डाल के बट इट डिफरेंस ऑफ 49 एंड 9 इज इट 49 माइनस 9 आदाब नाज़रीन आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख में हूं फातिमा सानिया डाइट टू कारगिल में 17,000 फिट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा डिजिटल लैब ट्रेनिंग के आखिरी तकरीब आज मुनक़िद होने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री पुनसुख ताशी एज चीफ गेस्ट आए हुए हैं और अदर डिग्नेटरीज जैसे प्रिंसिपल ऑफ डाइट मिस्टर कयूम एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ डाइट आए हुए हैं। एक तफसीली रिपोर्ट अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ 17,000 फिट फाउंडेशन मिस्टर जाकिर हुसैन। इंसान जानने की कोशिश करेंगे कि इस 4 रोज़ा तकरीब का मेन जो थीम है और मकसद क्या है ये हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सो सर जैसे 4 दिन का ये पूरा प्रोग्राम चला आपका सो इसका मेन जो थीम क्या था कि टीचरों को जो ट्रेन किया है आपने डिजिटल लैब के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दी है इसका मेन जो थीम है वो क्या है? थैंक यू फातिमा। तो इस चार दिन का जो ट्रेनिंग था उसका मेन मकसद ये था पिछले साल 2020 में हमने नवंबर में हमने 22 न्यू स्कूल में हमने डिजिटल सेटअप किया था। तो उस डिजिटल सेटअप करने के बाद उनका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उस ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं। आज की ट्रेनिंग का मकसद यही था 4 दिन की ट्रेनिंग का मकसद हमने सारे 22 स्कूल्स में से दो टीचर को लाए थे कि जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एक एडमिन को लाए थे उनको ट्रेन करना था कि आप डिजिटल को कैसे यूज़ कर सकते हो डिजिटल लर्निंग के लिए और स्पेशली जो लर्निंग लॉस हुआ है कोविड की वजह से आप उसको लॉस को कैसे उस गैप को कैसे ओवरकम कर सकते हो और स्पेशली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है और जो मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है उन दोनों को साथ हम कैसे। समर पश्चिम से आया हूँ डिस्ट्रिक्ट कारगिल एंड यूटी लद्दाख। सो हमारा एक छोटे से मोहल्ले का है समर केकर जो कि राउंड अबाउट 50 से 60 घर का है लेकिन जब से इन्होंने डीजी लैब सेटअप किया है इनरोलमेंट जब हम इनिशिएटिव पे थे वहाँ पे हम 15 के करीब बच्चे थे लेकिन जब आज के डेट में हम 50 प्लस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस डीजी लैब हम कह सकते हैं। अदर एस्पेक्ट्स भी हैं लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया खासकर कम्युनिटी को पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को और जो मान लीजिए यहाँ पे एक एम्बेसडर कह लीजिए कि मुझे अपने पहले टीचर्स को भी सब्जेक्ट टीचर्स को भी मुझे पहले समझाना है कि कैसे इनको चलाना है क्योंकि अल्टीमेटली सब्जेक्ट टीचर्स ही इन इस पूरे डीजी लैब को चलाएंगे और फिर उसके बाद हमारा एचएम जो है वो उसके ऊपर मॉनिटर करेंगे। अब ये हुआ कि हमें सबसे पहले हार्डवेयर का हम उनको इंट्रोडक्शन देंगे बिकॉज जो रिमोट एरिया से आप जानते हैं कि बच्चे उतने फैमिलियराइज नहीं हैं गैजेट से खासकर टैबलेट से या फिर बैटरी हो सोलर पैनल हो या फिर उनका ईयरपीस ही क्यों ना हो तो उन चीज़ों का हम पूरा पहले फैमिलियराइज करेंगे फिर उनको एक मोटिवेशन एक प्रोग्राम रखेंगे जिनमें हम अपने VC मेंबर्स कम्युनिटी लेवल्स और बाकी जो भी हैं डिग्निटरीज हैं उनको हम बुलाकर इस पूरे प्रोग्राम को सेटअप करके अच्छे से उनके माइंड में ये बात बिठा लेंगे कि अब हम डीजी वर्ल्ड के लिए तैयार हैं। ये वाला जो करंट प्रोग्राम था 22 स्कूलों का था कारगिल में कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ये इनके जो खास करके हमारे जो सपोर्टर्स हैं SBI फाउंडेशन और SBI कार्ड्स हैं यात्रा है हीरो फ्यूचर एनर्जीज NIFL जैसी कंपनीज है जिन्होंने ट्रेनिंग को भी सपोर्ट किया है उन्होंने ही इन स्कूलों में डीजी लैब लगा रखा है। तो इन 4 दिन के दौरान में जो है हमने अपने टीचर्स को यही सिखाया कि डीजी लैब सिस्टम क्या होता है सोलर पावर्ड ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग जो हम कहते हैं जो हमारी टीम ने ऑलरेडी लगा चुके हैं स्कूलों में बट ऑब्वियसली चलाने से पहले टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इन 4 दिनों के दौरान उन्होंने उनको ये सिखाया गया कि सिस्टम कैसा है कैसे चलता है बच्चों के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए टीचर्स का रोल क्या है कोविड की वजह से कितना सारा नुकसान हुआ है बच्चों की लर्निंग में और हाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी उस लर्निंग के गैप को ब्रिज किया जा सकता है। सो टीचर्स को आई थिंक काफ़ी हौसला बढ़ा है कि हाँ उनकी भी कोशिश अभी डबल हो गई है क्योंकि बच्चों का ऑलमोस्ट 2 साल का लर्निंग लॉस हुआ है बट अभी उनका हौसला आई थिंक बढ़ गया है बिकॉज अभी टैबलेट भी है डिजिटल मीडियम भी है जो रेमेडियल भी कर सकती है बच्चे घर भी ले जाके पढ़ सकते हैं और उनकी अच्छी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी हो सकती है। और इस ट्रेनिंग की खास एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं ZEPOs भी आए थे वो लोग भी इसी सिस्टम को मॉनिटरिंग करने में उसमें शामिल होंगे। सो अब मेरी उम्मीद यही है कि प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा एंड हमारी टीम अभी विजिट करेगी सारे स्कूलों में टीचर्स को रीट्रेन करने की
एंड उम्मीद ये है कि यस हमारे कारगिल के बच्चे ये लर्निंग लॉस को थोड़ा लर्निंग लॉस से आगे जाएं, अपने वापस ग्रेड लेवल लर्निंग पे पहुँचे एंड जो लॉस हुआ है पिछले 2 साल से उसको ओवरकम करें। सो यही होप लेके मैं जा रही हूँ। टीचर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया रहा है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक सब लोग हमने काफ़ी जोश लेके वापस जा रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि जब मैं स्कूल पहुँचूँगी एक फुल सस्टेन डिजिलैब प्रोग्राम मुझे दिखाई देगा। थैंक यू सो मच। LSDC हमेशा इनका प्रेशर करते हैं, LSDC कारगिल को इनके कामों का पता है कि ये गांव में जाके स्कूलों में, खासकर इनका ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट स्कूल को किस तरह से अच्छे तरीके से बनाएं ताकि वहाँ पे मार्जिनल सोसाइटी के लोग, गरीब से गरीब के फैमिली के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन, आज के 21st सेंचुरी की एजुकेशन जो है अच्छे से प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं वो उनको वहाँ पे दस्तयाब करने की कोशिश इनका रहा है। तो आज उसी का एक और उसी सिलसिले में जो है उन्होंने ये 4 दिन का ट्रेनिंग रखा हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर कोशिश करता ही करता है और आज के डेट में करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो है ना बहुत सारे वेल क्वालिफाइड स्टाफ और टीचर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके करगिल काउंसिल का एजुकेशन एक प्रायोरिटी सेक्टर है जिसको हमारे CC सब खुद देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमने इसमें फंडिंग का पैटर्न भी बहुत बढ़ाया है। आज 2021 में जो है ना एजुकेशन पे ही करगिल हिल काउंसिल ने 10 करोड़ रुपए खर्चे किए और जिसमें से 2 करोड़ से हमने अपग्रेडेशन और रेनोवेशन पे रखा है जो CEO साहब के डिस्पोजल पे रहता है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं उनके हेडमास्टर्स, ZEOs वो उनका जितने भी स्कूल में जो डेफिशिएंसीज है वो अपने CEO तक पहुँचाएँ और CEO के माध्यम से वो काउंसिल में पहुँचेंगे और वहाँ पर हम उस चीज़ों को एड्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इस साल LSDC करगिल ने हायर सेकेंडरी लेवल पर 6 बसेस, कम से कम एक बस का कॉस्ट 20 लाख से ऊपर होता है, 6 बसेस दिया है। आगे भी वो सिलसिला जारी रहेंगे और बाकी स्कूलों को भी वो मीटअप करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में काउंसिल की ओर से भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का ना वो यही डिजिटल लैब एस्टैब्लिश करने के लिए, लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मीटअप करने के लिए काउंसिल ने खर्चा किया है। और आने वाले दिनों में हमारे सब्सिडी एक स्कीम से, जिसमें हमारी कोशिश यही रहा है कि इस साल की सब्सिडी के माध्यम से हमने विंटर के 3 महीने में फ्री कोचिंग ट्यूशन हिल काउंसिल ने करवाया है और आगे भी वो जारी रहेगा। और उसके बावजूद जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग का JEE होते हैं, मेडिकल के NEET होते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए काउंसिल ने यही मंसूबा बनाया है कि वो इस किस्म के कोचिंग दिलाएंगे और साथ साथ में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काउंसिल का ये कोशिश है कि उनको लैपटॉप सब्सिडी भी दिलाए, उनको स्कूटी सब्सिडी भी दिलाए और बहुत सारे चीज़ें वो चीज़ें काउंसिल अपने लेवल पर एजुकेशन को प्रायोरिटी रख के कर रहे हैं और ख़ासकर उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करने के लिए 17,000 फीट जैसे फाउंडेशन जैसे NGOs और बहुत सारे और भी NGOs से जो हमको फीडबैक देते हैं और हमारे उनके माध्यम से इन कोलाबरेशन विद देम, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है काउंसिल और उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उनका जो ना एक सपोर्ट देता है और उनके पास जो मैन पावर है वो हमको फीडबैक देने की कोशिश करते हैं। हमारा कोशिश है कि और खासकर हमारा मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जितने भी आज के लेवल में जो ना एजुकेशन जो ना वो SIT से एजुकेशन के बगैर सब कुछ बेकार है, तो एजुकेशन को खासकर गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी टीचर्स आज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं उनको एक रिसोर्स पर्सन बनना है, अपने स्कूल में वापस जाके अपने स्टाफ के दौरान और बाकी चीज़ों को भी ये डिसमिनेट करना है कि NGO किस तरह काम करते हैं, काउंसिल किस तरह काम करते हैं और खासकर गवर्नमेंट के स्कूल को लेकर ये लोग कितने पर्टिकुलर से, तो यही चीज़ें रहेंगी। थैंक यू। अभी तक आप देख रहे थे ग्रेटर लद्दाख की तरफ से एक तफसीली रिपोर्ट। पर्पल के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा ग्रेटर लद्दाख के साथ।